आपको बताऊंगी क्रीम पिंक करना। ड्राई मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया, ड्राई के बाद हम अपनी जब भी प्रिपरेशन करते हैं बालों के हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो हम उसके बाद करते हैं क्रिम्पिंग। और क्रिम्पिंग जो है आपके हेयर स्टाइलिंग में बहुत मेन स्टेप है, अगर आप इसे नहीं करोगे तो आपके जो ड्राई जो आपकी हेयर स्टाइलिंग है उसमें काफी फर्क पड़ने वाला है उससे। तो आपको क्या है, क्रिम्पिंग भी हम कर लेते हैं कि नॉर्मल है, क्रिम्पिंग करने में तो कुछ सीखना है नहीं, लेकिन क्रिम्पिंग करने में कुछ है एक दो पॉइंट जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वे पॉइंट्स मेन है और वे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस करते हुए सीखे हैं। जैसे मैं करते रहते हूँ तो उससे मुझे थोड़ा सा मतलब रिजल्ट में फर्क पड़ता है, वो चीज मैंने आपके नोटिस करी और वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो सिर्फ ज्यादा नहीं, एक दो ही पॉइंट्स है, क्योंकि एक दो पॉइंट्स ही हो गए हमारी क्रिम्पिंग है, ज्यादा कोई हार्ड भी नहीं होती करने में, लेकिन वो एक दो पॉइंट है जो कि मैं आपको बताऊंगी क्रिम्पिंग करने में कैसे करनी है, ए टू जेड अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे फ्रंट में मैं आपको क्रिम्प करके दिखा रही हूँ। अच्छा, क्रिम्पिंग का इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है कि क्रिम्प से आपको दो चीज मिलती है क्रिम्पिंग करने से। एक तो आपको क्रिम्प में वॉल्यूम मिलता है जो कि आपको शायद विजिबल नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम मिलता है आपको विजिबल जो है ये वॉल्यूम ज्यादातर उसमें देता है जब आपके बहुत फाइन बाल होते हैं और आप क्रिम्पिंग करते हो, तो आपको वो विजिबल होता है कि हाँ हमें बाउंस मिला है, वॉल्यूम मिली है। तो एक तो हमें इससे वॉल्यूम मिलती है क्रिम्पिंग करने से, और दूसरा है कि हमें इसमें ग्रिप मिलती है, हेयर स्टाइलिंग करने में ग्रिप मिलती है, लाइंस निकालने में, स्प्रेडिंग करने में काफी हेल्प मिलती है, और फिनिशिंग हमारे जो हेयर स्टाइलिंग है वो आती है। तो आपको करना क्या है, सेक्शनिंग वही ईयर टू ईयर सेक्शन, और बैक से आपको एक वर्टिकल सेंटर से उसे डिवाइड कर देना है दो पार्ट में, और फिर आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके करनी है क्रिम्पिंग। आपका ये फ्रंट में बॉक्स सेक्शन है, आप इस बॉक्स सेक्शन को चाहे तो बैक डायरेक्शन में कर सकते हो, बैक डायरेक्शन में ही आप इसकी क्रिम्पिंग करो, क्योंकि बैक में करोगे तो फिर वो उसी तरीके से सेट हो जाएंगे आपके बाल। तो बैक डायरेक्शन में ही आप इसे क्रिम्प करो, और मैं आपको यहाँ पे फ्रंट में साइड में करके दिखा रही हूँ। मेन है आपकी करने की टेक्निक। तो यहाँ पे आपको लेना है कैसे पतला सेक्शन, क्रिम्पिंग में आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको लेने होते हैं पतले सेक्शन। मोटे अगर आप सेक्शन ले रहे हो, हैवी सेक्शन ले रहे हो, तो क्या होगा कि आपके सेक्शन में ऊपर हीट लगेगी, ऊपर क्रिम्प होगी, नीचे क्रिम्प होगी, लेकिन जो बीच के बाल है वो रह जाएंगे। तो आपको करनी होती है पतला सेक्शन लेना होता है, और उसके साथ साथ आपको क्रिम्प चाहिए होती है ये छोटे साइज वाली, मिनिमम साइज वाली, ये वाला साइज आपको चाहिए होता है जब आप हेयर स्टाइलिंग के लिए क्रिम्प कर रहे हो। विजिबल करनी है आपको, एक होता है ना हम ओपनली ओपन हेयर स्टाइल करते हैं और सिर्फ क्रिम्प करके छोड़ देते हैं, तो आप जो हमारे बड़े साइज वाले क्रिम्पिंग होते हैं वो यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम छोटे साइज वाली क्रिम्पिंग जो है वो यूज करते हैं। ये मेरे पास हेक्टर की क्रिम्पिंग है, तो ये मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आपको लेना है कैसे पतला सेक्शन। सेक्शन लेने के बाद क्या करना है कि आपको उसमें करना है कॉम्ब, ऐसे बाल जो आपके एकदम स्ट्रेट ऐसे जाने चाहिए सीधे। यहाँ पे कॉम्ब करने का क्या, आप सोचो कि बस सेक्शन लेते जाओ करते जाओ, कॉम्ब लेने का जो यहाँ पे एक मेन है तरीका वो ये है कि उससे आपको मिलता है एक, मान लीजिए आपको पता है जब भी हम कहीं पे भी हीट करते हैं अपने बालों में तो वो बाल उसी तरीके से सेट हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल में टैंगल है और वो उसी तरीके से आप उस पर क्रिम्पिंग कर रहे हो, तो आपके बाल जो है वो टैंगल के साथ ही सेट हो जाएंगे। तो जब आप हेयर स्टाइलिंग करते वक्त उन बालों को टैंगल फ्री करोगे तो आपके बाल स्ट्रेट नहीं रहेंगे वो, और मतलब जिस भी पोजीशन में वे अपने मतलब उलझे हुए हैं, टैंगल फ्री नहीं है, वो उसी पोजीशन में सेट होंगे। तो इसलिए आपको हमेशा क्रिम्प करना है एकदम बालों को स्ट्रेट करके, मतलब एकदम टैंगल फ्री करके, ठीक है। स्ट्रेट तो हम कर ही चुके हैं क्योंकि हमने कराया ड्राई, सेम ऐसे ही एक सेक्शन लेना है। आपको करना क्या है, ऐसे बालों को टैंगल करो बिल्कुल कॉम्ब के साथ, उंगली इस तरीके से फिंगर्स में होल्ड करो, क्रिम्प को रखो और वहीं पे डैप इस तरीके से प्रेस 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 प्रेस, ठीक है। उसमें आपको स्पेस नहीं छोड़ना कि आपने एक क्रिम्पिंग तो है, उसमें आपको ऐसे स्पेस नहीं छोड़ना कि एक यहाँ पे करी फिर उठा के फिर यहाँ पे करी फिर उठा के फिर यहाँ पे करी, ऐसे नहीं। आपको बस वहीं से लाइन से लेके ऐसे टैप 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 इस तरीके से करते जाना, ठीक है। आप क्रिम्पिंग को भी थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा के स्ट्रेट एंगल रख के क्रिम्प कर सकते हो, जिससे क्या है आपका बालों में थोड़ा सा बाउंस आएगा, वॉल्यूम आएगी रूट्स से। तो आप जब क्रिम्पिंग कर रहे हो तो क्रिम्पिंग भी आप थोड़ा सा बालों का एंगल ऊपर की साइड रखो, जैसे कि ड्रायर में मैंने बताया था आपको ये क्रिम्पिंग है, ऐसे होल्ड करो यहाँ पे और ऊपर की साइड को ऐसे,
वहीं पे मैं बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ रही हूँ आपके बालों में कहीं पे भी, ठीक है जी। आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से हमारे बालों में रूट्स में कितना बाउंस आया है, क्रिम्पिंग आपको विजिबल हो रही होगी। इस तरीके से आपको करनी है क्रिम्पिंग। ये चीज एक पतला सेक्शन पूरे बालों में आपको ऐसे ही करनी है, सब पतले पतले सेक्शंस लेने हैं और वहीं से प्रेस करते हुए बिल्कुल बीच में गैप नहीं छोड़ना है, कॉम्ब करना है। ये आपके 3-4 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है क्रिम्प करते हुए। क्रिम्प करने का तरीका बिल्कुल सेम है सारे बालों में, कोई अलग नहीं है, तो तरीका सेम है। इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे साइड में फ्रंट में ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरे बालों में करने में तो आपके मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेम उसी तरीके से ये चीज, ये मत करो जैसे आप, मुझे पता है मैंने देखा भी है, फिर मैं भी करूँ तो मैं पहले ऐसे ही करती थी। तो करना क्या है आपको, ऐसे नहीं करना कि आपने यहाँ पे करा फिर एक यहाँ पे करा फिर एक यहाँ पे करा। इससे क्या होता है आपके बालों में, यहाँ पे देख रहे हो आप स्पेस छूट रहा है, हमारी जो क्रिम्पिंग का जो एक साइज है वो आपका छप रहा है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में गैप रह जाता है। और उससे क्या होता है आपके बालों में एक थोड़ा सा वेव आ जाती है और स्ट्रेट बाल नहीं रहते, तो वो चीज नहीं करनी है आपको। बिल्कुल लेके चलना है वन बाय वन ऐसे ऐसे वहीं से बिल्कुल। ये मत सोचो कि इतना एरिया कवर हो गया तो मैं यहाँ से रखोगे, ये नहीं, आपको ऐसे लेके चलो एंड्स तक, ठीक है। ऊपर की साइड को एंगल रखो और लेके चलो, बाल जो है यहाँ से स्ट्रेट रहने चाहिए, लूज मत छोड़ो बालों को, ये चीज ठीक है। पूरे बालों में आपके यहाँ पे फ्रंट में क्रिम्पिंग हो गई, तो इस तरीके से आपको अपने पूरे बालों में क्रिम्प करना है। मैंने आपको बताया जो एक दो पॉइंट्स है उन बातों का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से पूरे बालों में सेम तरीका है, कोई चेंज नहीं है। एंगल सेक्शनिंग बहुत आसानी से, ईयर टू ईयर सेक्शन और बैक में एक सेंटर सेक्शन, बस इस तरीके से आप क्रिम्प करते जाओ और आपको क्रिम्प जो है अच्छे से आपके बालों में हो जाएगी। और उसके बाद जो आपकी हेयरस्टाइलिंग बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी, बेस्ट बनेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।